मध्य प्रदेश के रीवा में शुक्रवार को बोरवेल के अंदर 6 साल का मासूम गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए कल ही राहत कार्य शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसे निकाला नहीं जा सका। इस बीच सीएम मोहन यादव ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम बच्चे को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रयासरत है। मैं भी लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूँ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को घटनास्थल पर पहुँचने के निर्देश दिए हैं। मासूम को सकुशल बाहर निकालने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बेरवल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वहीं मौके पे है। कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है। मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूँ कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको वो तुरंत बंद कराए, खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।